हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस फिल्टरिंग टेक्निक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक फिल्टरिंग ऑप्शंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम कुछ एडवांस टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि बेसिक फिल्टरिंग टेक्निक में क्या ऐसा ड्रॉबैक था जिसकी वजह से हमें एडवांस फिल्टरिंग ऑप्शन को यूज़ करना पड़ा। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम फिल्टर ऑप्शन से अपने डेटा को फिल्टर करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा फिल्टर होके डेटा आता है सिर्फ हमें वही विजिबल होता है, बाकी का जो डेटा होता है वो हाइड हो जाता है। अब जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया बाय कलर। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया सिर्फ वही डेटा मुझे डिस्प्ले हुआ जो फिल्टर होके आया है, बाकी का डेटा यहाँ से चला गया है, वो हाइड हो गया है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा वो डेटा भी मुझे दिखाई दे और फिल्टर डेटा भी मुझे साथ में ही दिखाई दे, तो इस को करने के लिए मैं एडवांस फिल्टर टेक्निक का यूज़ करूँगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है और इसके ऊपर अब मैंने फिल्टर ऑप्शन यूज़ करनी है और फिल्टर मैंने डेटा करना है बेस्ड ऑन प्राइस। यहाँ पर मैंने कुछ प्राइस वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये प्राइस वैल्यूज़ जहाँ मैच करेंगी डेटा के साथ वो डेटा फिल्टर होके मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसलिए मैं डेटा टैब में जाऊँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस्ड की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगी। तो जैसे मैंने एडवांस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आ गया है लिस्ट रेंज। अब लिस्ट रेंज क्या है? मेरा डेटा, डेटा कहाँ पर प्लेस है, तो मैं यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करूँगी। ये मेरा लिस्ट रेंज आ चुका है। देन है क्रिटेरिया रेंज, किस बेस पे आपने फिल्टर ऑप्शन को यूज़ करना है। तो क्रिटेरिया क्या है? प्राइस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगी। तो इसको पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ। तो ये मेरा आ गया क्रिटेरिया रेंज। यहाँ पे आपने बात को ध्यान रखना है, जो आपका टेबल है, आपका डेटा है, उसमें जो भी कॉलम वैल्यूज़ होंगी वो आपके क्रिटेरिया रेंज के साथ मैच होने चाहिए। जैसे अब मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा है, ये वैल्यू इसके साथ मैच होनी चाहिए, कॉलम नेम आपका सेम होना चाहिए। अगर मैं यहीं पर इसको ओके कर देती हूँ तो जो भी मेरा डेटा फिल्टर होके आएगा वो इस टेबल के ऊपर ही आपको दिखाई देगा, जैसे आपका बेसिक फिल्टर ऑप्शन में होता है। लेकिन अब मुझे जो फिल्टर डेटा है वो अलग से दिखाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो कॉपी टू, इस पर क्लिक करूँगी और कहीं भी सेल पे जहाँ पे आपने डेटा डिस्प्ले करना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा डेटा है वो आ चुका है 456 प्राइस, ये वैल्यू, और जहाँ पे 456 है वो डेटा आपका, ये देखिए ये डेटा आ चुका है। तो अब ये मेरा डेटा था, ये फिल्टर्ड डेटा है, दोनों मुझे अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं, और ये मेरा क्राइटेरिया था जिसके बेस पे मैंने अपने डेटा को फिल्टर किया है। अब मैं आपको फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करना सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने डेटा के ऊपर फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करके डेटा को फ़िल्टर आउट ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ओके। तो देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले है एरे। एरे क्या है? मतलब आपका डेटा। तो ये मेरा डेटा है। अब मैंने इसमें डेट क्यों नहीं सिलेक्ट की, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉई नेम, प्राइस एंड कस्टमर नेम को डिस्प्ले करना है। अगर मैंने डेट को भी डिस्प्ले करना होता तो मैं डेट भी साथ में सिलेक्ट कर लेती। तो अब मेरा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड में आप अपना क्राइटेरिया बताएंगे।
अब यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया क्या है कि जहाँ पे एम्प्लाई नेम आस्था होगा वो सेल्स, वो सारा डेटा मेरा डिस्प्ले होके आएगा। तो मैं यहाँ से एम्प्लाई नेम को सिलेक्ट करूँगी, देन इक्वल टू, या तो मैं यहाँ पे आस्था लिख सकती हूँ या फिर आस्था मैंने अलग सेल में लिखा हुआ है तो सेल रेफरेंस को मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो देखिए C16 आ चुका है। B3 से लेके B14 तक जहाँ पे भी वैल्यू C16 मतलब आस्था के इक्वल होगी वो सारा डेटा मेरा फिल्टर होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ एम्प्टी। इफ़ एम्प्टी का मतलब क्या है? अब जैसे यहाँ पे मैंने आस्था वैल्यू लिखी है तो आस्था नाम से यहाँ पे दो एंट्रीज हैं। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे कोई ऐसा नाम लिख दिया है, शालिनी लिख दिया है, जिसकी कोई एंट्री नहीं है, तो उस केस में हमसे यहाँ पे मांगते हैं कि अगर कोई ऐसा डेटा आप सर्च कर रहे हो या फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहे हो जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा? मैं यहाँ पे दो कोट्स दे देती हूँ कि मेरा जो फिल्टर्ड डेटा है वो एम्प्टी आए, तो इसको कर दूँगी मैं ओके। तो अब आप देखिए एम्प्लाई नेम में आस्था आ चुका है, प्राइस वैल्यू और कस्टमर नेम। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लाई नेम चेंज कर देती हूँ जो मेरे क्राइटेरिया वाला ऑप्शन है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे सेजल कर दिया, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं अब मेरा जो फिल्टर होके डेटा आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है? सेजल के अकॉर्डिंग आया है। सिमिलरली अगर मैं और कोई वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा करुण और मैंने एंटर प्रेस किया, तो देखिए करुण के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर होके आ गया है। तो इस तरह से सेल रेफरेंस देके आप फिल्टर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए, और अपना फिल्टर्ड डेटा ईजिली आप नॉर्मल डेटा के साथ डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।